जी अस्सलाम वालेकुम। वो हमें थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो गई मोबाइल की वजह से। अच्छा, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये बजटेड कास्ट जो है ये हमने यहाँ से ले ली, जैसे हमने पीछे वाले ये हमारी बजटेड कास्ट आ गई, ये इनको टोटल कर लिया और अप्लाइड FOH एट न्यू एक्चुअल कैपेसिटी जो है वो हमें उन्होंने दिए हुए थे रेट, वो हमने डाले। तो इसमें हमें पता चला कि जो हमारे कैपेसिटी है उसमें 36,000 अनफेवरेबल है मशीनिंग डिपार्टमेंट और 1,30,000 फेवरेबल है कौन सा हमारा फैब्रिकेटिंग डिपार्टमेंट। तो ये अगर हम यहाँ देखें तो 1,38,000 में से 1,30,000 निकाला तो हमारा अनफेवरेबल 8,800 रह गया और ये जो है ये बढ़ गया 2,91,000 हो गया। तो ये तीन ही वेरिएंस हैं, इनको इस लेक्चर को आप बार बार देखेंगे तो इस क्वेश्चन में ज़रा बड़ी फिगर्स हैं, समझना कॉन्सेप्ट समझना मुश्किल है, लेकिन सवाल ये भी वही है और आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये प्रेजेंटेशन भी आप देख लें कि अगर हम ये अलग-अलग अलग-अलग से कैलकुलेशंस करेंगे तो ये दो दफ़ा लिखेंगे वो दो दफ़ा लिखेंगे तो हमारा ओवरऑल जो है वो इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, तो हमने टाइम भी अपना बचाना है इम्तिहान का। और जो पहले दो क्वेश्चंस हैं वो कंपैरेटिवली टू दी पॉइंट और आसान हैं, उसके हिसाब से हम अपना तैयारी कर लें और उनको समझ लें। सवाल की कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो फिगर्स और कंपनी के नाम चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग की थ्योरी पर होगा। जितना भी लंबा हो हम एक ही लेक्चर में एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग की थ्योरी पढ़ेंगे और एक लेक्चर में इंशाल्लाह उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हल कर देंगे। दो लेक्चर्स जो हैं हम चैप्टर 6 पर होंगे, उसके बाद हम FOH डिपार्टमेंटलाइजेशन चले जाएंगे। इस लेक्चर में अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो हमें राबता करें, हम आपको गाइड करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।